After a big Hollywood studio got hit by hackers and several blockbuster movies ended up online, most of them before they've even hit theaters. Most people did was download it from Tamil Rockers. That is how inevitable Tamil Rockers was in South India, especially Tamil Nadu. Australia blocks the Pirate Bay, sort of. The Pirate Bay is constantly at odds with the law, and that's pretty reasonable considering the site provides an index to... ये सब होता था एक messaging app Telegram पर. इस अपराध का मास्टरमाइंड था एक 24 साल का कॉलेज गोइंग लड़का जो खुद को कहता था बक्सा उर्फ डॉक्टर. साल 2010, एंड्रे लुइस एके ब्लू बीट्स, जिन्होंने एक वेबसाइट मेटाफिल्टर में एक कमेंट किया था, If you not pay for the product, then you are the product. But what are you really pay for the free movies? What are you really pay to watch anime online for free, which is not available in your country? What are you really pay on Telegram, where you download all the latest movie in a one click? Are you paying your privacy or your money or sometime your loved one? Techie dies by suicide allegedly after being blackmailed online and, now- and without her permission leaked online. I couldn't look at myself in the mirror. But हमें ये भी जानना है कि पायरेसी समाज में असर किस तरीके से डालती है, इसका इतिहास कितना पुराना है और ये होती कैसे है, और पायरेसी की आड़ में होने वाले डार्क क्राइम ह्यूमैनिटी को कैसे असर करते हैं. पर सबसे पहले जानते हैं पायरेसी के इतिहास को, द हिस्ट्री ऑफ पायरेसी. तो चलते हैं वक्त में पीछे 3000 साल पहले, जब हमें सबसे पहले पायरेसी के सबूत मिलते हैं. पायरेसी पुरानी है वाइकिंग्स के समय की और ड्रॉन्स के समय की. वो दूसरे लोगों से सामान लूटते थे, टेक्निकली ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर से, और टेक्निकली वो ना उनके राइटफुल ओनर थे, और ये एक काइंड की पायरेसी ही थी जो उस समय भी होती थी. तो मानव इतिहास में और मानव व्यक्तित्व में पायरेसी हमेशा से थी. एंशियंट पायरेसी की बात की जाए तो 1315 BC में अफ्रीका के तट के पास बहुत सारे पायरेट होते थे, स्पेशली ग्रीक की खाड़ियों में बहुत सारे पायरेट्स होते थे. फिर आता है द पायरेसी ऑफ गोल्डन एज. 18वीं सदी में होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके साथ आता है कॉलोनाइजेशन, जिन्होंने बहुत सारे भारत के सामान पायरेट किए, और हर वो देश जो कभी ना कभी गुलाम रहे हैं. और इस समय का सबसे मशहूर पायरेट था द ब्लैक बियर्ड. फिर आती है पायरेसी की डिजिटल एरा, जो चालू होती है ईयर 1980 पे. उस समय पायरेसी यूजली होती थी म्यूजिक सीरीज और VCR और टेप पायरेसी. शुरुआत की डिजिटल पायरेसी मोस्टली म्यूजिक के फॉर्म में ही होती थी, क्योंकि उस समय सिनेमा एक अलग तरीके के मीडियम से दिखाया जाता था, जो कि एक टाइप के प्रोजेक्शन के फॉर्म में था, तो सिनेमा की पायरेसी होना लगभग नामुमकिन थी. वही बात रही म्यूजिक और सीडी की, जिसको क्लोन करना बहुत ही ईजी था, तो इनकी पायरेसी बहुत ज़्यादा होती थी. मोस्टली होता यह था कि जो ओरिजिनल एल्बम है उसको क्लोन करके जस्ट आधे दाम में बेचा जाता था, जिससे म्यूजिक की पायरेसी थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ी. फिर उसके बाद चालू होता है एरा ऑफ इंटरनेट, और ये होता है साल 1999 पे, और यहाँ पे पायरेसी हो रही थी ऑनलाइन. और यहाँ पे एक वेबसाइट इंट्रोड्यूस होती है, नैपस्टर, जहाँ पे आप अपनी पसंद का म्यूजिक अपलोड कर सकते थे और शेयर कर सकते थे अपने फ्रेंड्स के साथ और फॉलोवर्स के साथ. और इन सब सर्विसेज से हो ये रहा था कि जो बैंड्स के अनरिलीज्ड वर्जन होते थे, जो रिलीज भी नहीं हुए थे, जो मार्केट प्लेस पे आए भी नहीं थे, वो भी अवेलेबल होने लगे इंटरनेट पे, स्पेशली नैपस्टर पे. और इस टाइप की पायरेसी मानव इतिहास में पहली बार देखी जा रही थी, क्योंकि ये पायरेसी हो रही थी इंटरनेट पे. आगे जाके नैपस्टर कोई प्रॉफिटेबल कंपनी रह नहीं पाई और वो डूब गई, बट उसने एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था P2P. इस मॉडल और बोल सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज बनी, जिसका नाम था द टॉरेंट. और द टॉरेंट लगभग सब जानते हैं. तो टॉरेंट टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? एक्चुअली टॉरेंट क्या करता है, वो आपकी फाइल को लेता है और उसे बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ देता है. फिर वो फाइल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन या बोलने से डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में चले जाते हैं, जहाँ पे वो होते हैं सीड्स या लीच. जो इंसान अपलोड कर रहा है वो उसे सीड कर रहा है, और जो इंसान डाउनलोड कर रहा है वो उसे लीच कर रहा है, एक जोक की तरह. होता यह है कि जब भी आप कभी कोई मूवी टॉरेंट से डाउनलोड करते हैं, तो वो किसी एक कंप्यूटर में नहीं होता है, वो वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर में हो सकता है. हमेशा उस मूवी के कुछ ना कुछ कंटेंट अवेलेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे. जब आप उस मूवी को डाउनलोड करते हैं, तो होता यह है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से बिट्स
आपके कंप्यूटर में आते हैं और रिकम्पाइल होते हैं. आफ्टर द रिकम्पाइलेशन यू कैन सी योर मूवी गेट डाउनलोडेड एंड यू कैन एंजॉय योर मूवी. यू लिटरली डिडंट पे एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द इंटरनेट बिकॉज टॉरेंट इज ए ओपन सोर्स एंड ए फ्री टेक्नोलॉजी. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या टॉरेंट ने पायरेसी बढ़ाई? समवॉट यस. क्या टॉरेंट पायरेट करता है? नहीं, टॉरेंट एक टेक्नोलॉजी है. इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पायरेसी होती है, ये बात सच है, पर इस टेक्नोलॉजी को कभी भी इस चीज को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया था. पायरेसी होती है बहुत अलग अलग तरीके के थ्रू. जो पायरेसी मूवीज की होती है उनमें होता यह है, एक मूवी जो थिएटर पे चल रही है उसे एक अच्छे कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता है और उसका ऑडियो किसी और थिएटर से रिकॉर्ड किया जाता है. दोनों वीडियो फाइल और ऑडियो फाइल को सिंक किया जाता है और आपको मिल जाती है आपकी ब्लू रे प्रिंट. अगर आपको इस टाइप की पायरेसी के बारे में और जानना है तो आप एक वेब सीरीज फॉलो कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है सोनी लीव पे. वेब सीरीज का नाम है द तमिल रॉक्स. सिनेमा से हो रहे मूवी पायरेसी के बारे में किसी और वीडियो पे बात करेंगे क्योंकि एक वो अलग टॉपिक है, उस पर बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए. और यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रीमिंग सर्विसेज से हो रही मूवी पायरेसी. कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी फेवरेट सीरीज जो जस्ट रिलीज होती है नेटफ्लिक्स में वो आपको एक घंटा और कभी कभी रिलीज से पहले आपको टॉरेंट वेबसाइट्स और टेलीग्राम वेबसाइट्स में मिल जाती है. स्ट्रीमिंग सर्विसेज से पायरेसी कैसे हो सकती है? ये बड़े आश्चर्यचकित बात है क्योंकि ये कॉर्पोरेट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने स्ट्रीमिंग सर्विसेज को बेहतर और बेहतर करने के लिए. ये लिटरली पैसे बहाते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर मूवी बनाने के लिए और वो मूवी एक क्लिक पे आपके पास अवेलेबल हो जाती है एक टेलीग्राम ग्रुप से, एक टॉरेंट लिंक से. तो चलिए जानते हैं स्ट्रीमिंग में पायरेसी हो कैसे रही है. स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक Netflix, Amazon, HBO Max और Peacock, यहाँ पे पायरेसी कैसे हो रही है? ये पायरेसी होती है ग्रुप्स के थ्रू और इन ग्रुप्स को कहा जाता है वॉर इज ग्रुप. और इन ग्रुप्स में आते हैं द सीन, एनोमली, 3DM, द पायरेट्स बे और हमारा फेमस द तमिल रॉक्स. वॉर इज ग्रुप काम कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी को ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं. जैसे अगर कोई मूवी नेटफ्लिक्स की है तो ये लिटरली नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बाई करेंगे और उस मूवी को देखेंगे. ये हो सकता है कि उस सब्सक्रिप्शन के लिए वो बोगस क्रेडिट कार्ड से पैसे पे करेंगे बट वो मूवी को देखेंगे. उसके बाद होता है क्लाइंट साइट हैकिंग. क्लाइंट साइट हैकिंग क्या होता है? जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो वो डाउनलोड होती है आपके कंप्यूटर में, वो होती है इनक्रिप्टेड फाइल के फॉर्म में. अब ये आपके कंप्यूटर में क्यों डाउनलोड होती है? तो इसका मेन रीज़न ये है कि आपको चाहिए एक अच्छी स्ट्रीमिंग सर्विसेज. जो कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज बुरी नहीं हो सकती, उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में. आज होती है स्ट्रीमिंग 4K और HDR के फॉर्मेट में, तो जब भी कोई 4K या HDR फॉर्मेट की मूवीज होती है तो वो क्लाइंट साइड में डाउनलोड होती है. और प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में हम सब जानते हैं कि सबसे वनरेबल साइड होती है क्लाइंट साइड, बिकॉज ये हमेशा ओपन सोर्स होती है. क्लाइंट साइड ओपन सोर्स इसलिए होती है क्योंकि वो थ्रू आउट द टाइम डायरेक्ट एक्सेस करती है मेमोरी के उन हिस्सों में जहाँ पे वो इनक्रिप्टेड फाइल होती है. और जहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सेस होता है वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है, पर ये डेटा होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में. उसके बाद ये ग्रुप क्या करता है कि इस डेटा को भेजता है DRM टेक्नोलॉजी. DRM टेक्नोलॉजी करती ये है कि वो इनक्रिप्टेड फाइल को चेंज करती है रीडेबल कॉन्टेंट फाइल में, लाइक MP3 और MOV फॉर्मेट में. उसके बाद तो सब जानते हैं, ये फाइल्स आ जाती है इंटरनेट पे, टेक्निकली डार्क वेब पे, और होता है इनका टॉरेंट और टेलीग्राम मूव पे डिस्ट्रीब्यूशन. और लिटरली आपके सामने एक मूवी अवेलेबल होती है जिसको बनाने में सालों लगते हैं और वो फ्री में अवेलेबल होती है. आप किसी का कंटेंट लिटरली फ्री में देख रहे होते हैं इन ग्रुप्स के कारण, और होता है प्रोड्यूसर को लाखों रुपए का नुकसान और सिनेमा को करोड़ों रुपए का नुकसान, बिकॉज पायरेसी ऐसे ही इफेक्ट करती है. और लिटरली यू वॉच समवन एल्स कंटेंट विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी. इफ यू रियली लाइक द आर्ट ऑफ आर्टिस्ट यू शुड पे फॉर इट. द आर्टिस्ट वांट द आर्ट शुड बी अवेलेबल फॉर फ्री, इट्स अ आर्टिस्ट चॉइस. बट पायरेसी का नेगेटिव इफेक्ट होता किस तरीके से है? ऊपरी तौर पे देखा जाए तो पायरेसी का सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट होता है लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ जॉब. दूसरा इफेक्ट होता है कि आपकी मूवी लिटरली पायरेट हो जाती है. जिसे आपको थिएटर में देखना चाहिए था लोग उसे ब्लू रिप प्रिंट में फ़ोन में एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पे आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते. लिटरली आप बताइए कि आप ओपनहाइमर को फ़ोन में एंजॉय कर सकते हैं? थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, आपको थिएटर में जाना ही होगा. लेकिन पायरेसी का एक डार इम्पैक्ट होता है. पायरेसी से आए पैसे से ये लोग फंड करते हैं उन वेबसाइट्स पे जहाँ पे होती है पोर्न, स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी. उसके बाद ये फंड करते हैं उन वेबसाइट्स को जो करती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग.
जो कि समाज का सबसे गंदा हिस्सा है, और पायरेटेड कंटेंट के जो वेबसाइट्स होते हैं ये प्रमोट करते हैं लोन ऐप, बेटिंग ऐप, जो आपको कभी ना कभी अपने झांसे में ले लेंगे और ये आपसे ही आपका पैसा निकलवा के आपको ही बेवकूफ बना के आप पर एक लोन चढ़ा देंगे। तो पायरेसी हमेशा समाज के लिए एक अभिशाप है, शुरुआत से रहा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि एक महान मस्तिष्क ने कहा था, जो इंसान दूसरों से छीनता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का विजडम नहीं है, और वो महान मस्तिष्क था ChatGPT। अगर आपको इस प्रकार के इंफोटेनमेंट वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कमेंट करें जो आपको पसंद आया, और कमेंट वो भी करें जो आपको पसंद नहीं आया, और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है, और उन लोगों के साथ जिनको आप बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्ड। गॉड ब्लेस यू। सायोनारा।